आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 में। प्रश्नावली 8.1 का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न हम सोल्व कर चुके थे। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक चौथे की। तो प्रश्न क्रमांक चौथा कुछ इस प्रकार आपको दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। दर्शाना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है और विकर्ण बी डी भी दोनों कोणों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिया है कि जो ए बी सी डी है वो एक आयत है। तो ए बी सी डी हमने आयत बना लिया है। आयत में दो भुजाएं बराबर होती है आमने सामने की। ठीक है, लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती, चौड़ाई कम होती। ठीक, इसमें एसी विकर्ण जो है, ये एसी विकर्ण है, कोण ए और कोण सी को क्या करता है, समद्विभाजित मतलब समान भागों में विभाजित करता है। ठीक, आगे बताया कि ए बी सी डी एक वर्ग है, इसी जो आयत दिया है इसको वर्ग जो है हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। दूसरा, बी डी जो विकर्ण है, जैसे ए सी विकर्ण दोनों कोणों को समद्विभाजित कर रहा है ना, वैसे हमको ये भी बताना है कि जो बी डी है वो भी दोनों कोणों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है कि दिया है करके बता देना है कि ए बी सी डी एक आयत है, जो भी दिया है वो बता रहे हैं हम, जिसमें विकर्ण ए सी कोण है, कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक, सिद्ध क्या करना है, तो पहला दूसरा हमने दोनों डाल दिए हैं यहाँ पे, है ना। अब हम लिखते हैं उपपत्ति, क्या लिखते हैं, उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम क्या करते हैं, तो हमको लेना है दो त्रिभुज, कौन से लेने हैं समझ लीजिए, त्रिभुज लेना है आपको ए बी सी और कौन सा लेना है त्रिभुज ए डी और सी। ठीक है, दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, कौन कौन सा ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं ए बी सी, तो जो त्रिभुज ले रहे हैं ना उनको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है, ये ले लिया यहाँ से ए बी सी त्रिभुज, एक त्रिभुज तो हो गया रेड वाला। ठीक, एक और हम कौन सा ले रहे हैं, तो एक ले रहे हैं हम ए डी सी, तो ये ए डी और सी, तो इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं ना समझने के लिए आपके, तो आपको भी पता रहे कि हाँ इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो ये ए डी अब सी, ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं दोनों त्रिभुज हमको क्लियर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, रेड और ब्लैक वाले, तो इसमें हमको क्या समान दिख रहा है वो हमको लिखना है। देखो, बहुत अच्छी बात तो ये है कि हमको दे दिया है कि जो ए सी विकर्ण है ए और सी को समद्विभाजित करता है। तो देखो, ए बी सी में कोण ए आया है, ए डी सी में भी ए आया है। ठीक, फिर ए बी सी में सी कोण आया है, तो ए डी सी में सी कोण आया है। ए ए के बराबर है, सी सी के बराबर है, क्योंकि ये दिया है हमको। और अच्छी बात इसमें यह भी है कि भाई जो इसमें देखो रेड और ब्लैक दोनों एक लाइन पे आ रही है, कौन सी, एसी, मतलब कि एसी जो भुजा है विकर्ण है, ये दोनों त्रिभुज के लिए है, मतलब कि ये भी बराबर है और उभयनिष्ठ है। तो हो गया हमारा काम क्या, कि भैया कोण ए जो है वो कोण ए के बराबर है, ठीक है, भुजा एसी जो है वो एसी के बराबर है। ठीक, फिर कोण सी जो है वो कोण सी के बराबर है। ठीक है, अब ये क्यों, तो ये दिया है। अब इसमें एक कन्फ्यूजन आपका ये भी रहता है, ये उभयनिष्ठ है, सुनिएगा, कन्फ्यूजन ये है कि ये भी दिया है, पहले तो ये रीजन लिख देते हैं। अब कन्फ्यूजन क्या रहता है कि कोण ए को खाली ए क्यों लिख रहे हैं, कोण ए को तो ऐसा लिखना चाहिए ना बी ए सी करके और सी ए डी करके, तो ऐसा कुछ नहीं, आप डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है और बराबर है, तो हमने लिख दिया है। ठीक है, तो देखो कोण भुजा, भुजा मतलब कि ए एस ए सर्वांग समता नियम इसमें लग चुका है। ठीक है, सर्वांग समता नियम से, अब सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, तो जो दोनों त्रिभुज हमने ले रखे थे वो दोनों हो जाएंगे सर्वांगसम, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। अब ऐसा हमने क्यों किया है, तो ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम बात करें तो ये ए बी और मतलब ये ए बी और ये ए डी दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस त्रिभुज की ए बी और इसका ए डी, ठीक है, तो ए बी बराबर ए डी। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सर्वांगसम भाग जो होते हैं वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो समीकरण एक दे सकते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ये जो ए बी है ये ए डी के बराबर हो चुका है। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर, चूँकि हमको ये भी बताया कि ये आयत है, और आयत है तो आयत की आमने सामने की भुजाएँ भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये ए बी भुजा जो है इस डी सी या सी डी भुजा के बराबर है, बी सी जो है ए डी के बराबर है, तो ये भी हम लिख देते हैं क्या, कि जो ए बी भुजा है वो बराबर है डी सी तथा, इसी में लिख देंगे, ज़्यादा आगे इसको नहीं करना है आपको, तथा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए डी। ठीक है, आप चाहें तो इसको समीकरण दो दे दीजिए और इसको समीकरण तीन दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका काम। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है और आपको समझना है, देखो ए बी, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये रबर कर लीजिए आप थोड़ा सा, ये हो गया ए बी, ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ये हमने बराबर ए डी कर दिया। फिर ए बी डी सी के भी बराबर है,
तो ए बी डी सी के बराबर हो गया। ठीक, अब जो ए डी है उसके बराबर बी सी भी है, मतलब ये जो हमने ए डी लिखा है इसके बराबर बी सी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखो ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी, डी सी बराबर ए डी, चारों की चारों भुजाएं क्या हो गई आपके बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण एक दो और तीन से, समीकरण एक कोमा दो व तीन से क्या हो जाएगा, तो ए बी चला जाएगा बी सी के बराबर, बी सी चला जाएगा सी डी या डी सी के बराबर, और ये हो जाएगा ए डी के बराबर। ठीक है, और देखो वर्ग हमें सिद्ध करना था, तो भाई वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो हम लिख सकते हैं ना, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हमने कर दिया पहला काम हमारा। अब सेकेंड में हमको पूछा है कि विकर्ण बी डी जो है कोण बी और डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं, कौन सा, ओ पॉइंट। क्यों भाई, ए सी और बी डी विकर्ण मान लेते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ही करेंगे, है ना। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम ले लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ सॉरी सी ओ बी, ये और ये दोनों त्रिभुज, ये और ये दोनों त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसमें त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में, सेकंड सोल्व कर रहे हैं ना, सेकंड डाल दीजिएगा। अब दोनों त्रिभुज में आपको क्या क्या समानता है वो देख लीजिए। देखो ए ओ बी में ए बी भुजाएं है ना, सी ओ बी में भी में बी सी भुजाएं, और वर्ग की भुजाएं ये घोषित हम कर मतलब सिद्ध कर चुके हैं। अब अगर ये वर्ग है तो वर्ग की तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है, मतलब ए बी जो है बी सी के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला काम ए बी बराबर क्या है, बी सी। और रीजन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्ग की भुजाएं, क्या दे देंगे रीजन, वर्ग की भुजाएं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो देखो ये ए ओ और ये बी ओ और ये सी ओ। ठीक है, तो ये ए ओ और सी ओ दोनों क्या है यहाँ पे, बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये जो क्या करते हैं ये, तो देखो लिख देंगे ए ओ बराबर सी ओ। अब रीजन हमको क्या देना है, तो वर्ग के विकर्ण है, और वर्ग के विकर्ण तो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं बराबर, तो वर्ग के विकर्ण। ठीक है, अरे यार दिख नहीं रहा है आपको, सॉरी, ये क्या हो जाएंगे, वर्ग के विकर्ण, क्योंकि ये क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, और हमको क्या नज़र आ रहा है, तो हम देख लेते हैं इसमें। देखो अगर हम बात करें तो हमने त्रिभुज लिया है ए ओ बी, ठीक है, और एक लिया है सी ओ बी। अब ए ओ बी में भी ए ओ बी आया है, सी ओ बी में भी ओ बी आया है, मतलब ओ बी बराबर ओ बी हो जाएगा, उभयनिष्ठ है ना, भुजा क्या हो जाएगी, तो ओ बी बराबर ओ बी, और इसको हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। तो भैया देखो भुजा भुजा भुजा, तो सर्वांग समता नियम लग गया, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। अब अगर ये सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज, तो इनके संगत भाग या संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण कौन सा, ए बी ओ, जो बराबर होगा किसके, सी बी ओ के। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना कोण ए ओ सॉरी ए बी ओ बराबर हो जाएगा कोण सी बी ओ, और आप अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी। रीजन आप दे सकते हैं सी पी सी टी से। ठीक है, तो बी तो देखो समद्विभाजित हो गया है, जैसे हमारा ए ए बराबर था वैसे बी बी बराबर हो गया है। अब हमें क्या करना है, बस डी डी बराबर करना है, तो कर लेते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब दूसरे दो त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे हमने ए बी ओ लिया था, सी ओ बी लिया था, उस टाइप से अब ये वाले त्रिभुज ले लेते हैं ना। तो त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, ए ओ डी और सी ओ डी दो त्रिभुज हमने ले लिया है, ए ओ डी और सी ओ डी में, एक ये ले रहे हैं और एक ये ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसमें ये ए डी और सी डी बराबर है, जैसे उसमें ये ए बी और बी सी बराबर था ना, तो ये ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपके, सी डी। फिर से रीजन वही है, वर्ग की भुजाएं। ठीक है, क्या लिख देंगे रीजन में, वर्ग की भुजाएं। और क्या दिख रहा है हमको, तो ये ए ओ और सी ओ बराबर है। ठीक है, वर्ग के विकर्ण तो है ए ओ बराबर सी ओ, रीजन क्या है, वर्ग के विकर्ण, विकर्ण ही लिख दीजिए, बहुत लंबा मत लिखिए, क्योंकि वैसे तो वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बहुत लंबा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें, तो सुनिएगा यहाँ पे, ए ओ डी, ए ओ डी मतलब कि ए डी भुजा इसमें आ रही है। ठीक है, फिर सी ओ डी, ये सी ओ डी, ठीक है, क्या हो रहा है आपके, ए ए ओ डी और जो है सी ओ डी,
तो इसमें ये कॉमन आ रहा है आपके, क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, ओ डी पूछा जाए ना, दोनों में आ रही है, तो क्यों ना हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पे कि डी ओ बराबर डी ओ, और रीज़न क्या है यहाँ पे, उभयनिष्ठ है, ठीक है, क्या है ये, उभयनिष्ठ है, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई मान रखना नहीं है, कहाँ से कुछ लाना नहीं है, बस चित्र को देख के हल करना है, थोड़ा सा आपको जो है पेशेंस बना के रखना है। अब त्रिभुज सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम आपके, ठीक, और त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग या संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर या इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण हम बता सकते हैं कि कोण जो ए डी ओ है वो बराबर हो जाएगा कोण सी डी ओ के, कहने का मतलब ए डी ओ मतलब ये कोण सी डी ओ इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। और रीज़न में आप जो है यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण डी, रीज़न में आप क्या लिख देंगे, सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, ये उसके बाद ये आपका रफ वर्क था, कौन सा वाला, ये रफ वर्क है, ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिए, इसको नोट नहीं करना है, बाकी तो सभी नोट करना है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अगला आता है आपके पाँचवें नंबर का सवाल, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी टी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी इसमें विकर्ण बी डी इस पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि डी पी बराबर बी क्यू है, यानी मतलब ये जो है इसके बराबर है, देखिए आकृति में, फिर आपको दर्शाना है ए पी डी जो है सर्वांग सम होगा सी क्यू बी के, ठीक है। तो हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, पहला ही सवाल जो है हल कर लेते हैं, क्या दिया है, ठीक है। तो देखो हम जो है हल करते हैं, त्रिभुज ए पी डी बराबर सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू क्यू, तो जो सर्वांग सम सिद्ध करना है सबसे पहले तो वही ले लेते हैं कि त्रिभुज ए पी डी तथा त्रिभुज सी क्यू बी में, ठीक है, ए पी डी तथा सी क्यू बी में। अब इसमें आपको क्या क्या दिखता है वो हमको देख लेना है, मतलब बराबर आपको क्या क्या दिखता है वो देखना है। तो बराबर हमको क्या नज़र आ रहा है, देखो त्रिभुज ए पी डी और सी क्यू बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये त्रिभुज है कहाँ पे, ए पी डी, तो ये ए, ये पी और ये टी, ये छोटा त्रिभुज, ठीक है, और एक और कौन सा है सी क्यू बी, ये सी क्यू और ये बी, ये दोनों त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुज में आपको जो जो बराबर नज़र आता है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस त्रिभुज में देखो एक भुजा ये आई है आपके और एक आपके ये भुजा आई है, ठीक है, ये दोनों भुजाएँ ना आ रहा है ना भाई, देखो ए पी डी में ए डी भुजा रही है और सी क्यू बी में जो बी सी भुजा रही है, और ये दोनों क्या है, तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएँ आमने सामने की, और आमने सामने की भुजाएँ क्या होती है, बराबर। तो हम पहला तो हम ये लिख देंगे कि जो ए डी है वो सी बी के बराबर है, सॉरी बी सी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रीज़न में आप बता दीजिए समांतर चतुर्भुज की भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भुजा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई नहीं देखेगा आपका। उसके बाद एक और चीज़ तो हमको दे दिए, क्या दे दिए कि भैया जो क्या बताया है, तो देखो दिया है आपको कि जो बी क्यू है वो पी डी के बराबर है, ठीक है, ये तो आपको जो है प्रश्न में दे दिया है, ये वाली लाइन है ना, बी क्यू जो है पी डी के बराबर है, तो इस त्रिभुज की बी क्यू भुजा, इस त्रिभुज की पी डी भुजा, ठीक है, ये बराबर है। और हमको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो देखेंगे अगर हम, तो यहाँ से देखिए आप, ये जेड बन रहा है, ये नीचे जाएंगे इस टाइप से जेड बन रहा है, ये इस टाइप से, और जेड बन रहा है तो ये वाला कोण जो है इसके बराबर चला जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण माने जाते हैं जहाँ जेड आकृति बनती है ना, इस टाइप से एकांतर कोण है, तो कोण बता दीजिए ए डी पी, कोण ए डी पी बराबर हो जाएगा कोण सी बी क्यू, सी बी ये बी है बी क्यू, और ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एकांतर कोण है, क्या लिख देंगे एकांतर कोण, और ये भुजा मैं आपको बता ही चुका हूँ बराबर है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे आप ए पी डी की पी डी भुजा है ना, बी सी क्यू की बी सी बी क्यू भुजा के, सॉरी भुजा है ये बी क्यू के क्या है, बराबर है, ठीक है। और ये तो रीज़न हम बता सकते हैं दिया है करके, ठीक है, क्या है दिया है, देखो कोण भुजा कोण मतलब ए एस ए सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम, और यही हमें पहला सिद्ध करके देना था, ठीक है, तो ये त्रिभुज सी क्यू बी, ठीक है, पहला काम हमारा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दूसरा वाला हमें सिद्ध करना है, तो दूसरे वाले में हमको ये बताना है कि जो ए पी है वो सी क्यू के बराबर है, ठीक है, यही हमको सिद्ध करके देना है, तो लिख देते हैं इसमें क्या,
एपी और सीक्यू कहाँ आया है, तो इसी त्रिभुज में आ रहा है, तो फिर से ले लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज एपीडी तथा त्रिभुज सीक्यूबी में, और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर एक जो पहले आप हल कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट समीकरण एक से, क्या लिख देंगे समीकरण एक से, क्या कि त्रिभुज एपीडी जो है सर्वांग सम त्रिभुज सीक्यूबी के, और त्रिभुज सर्वांग सम है तो त्रिभुज की जो भुजाएं होती है एपी और सीक्यू वो भी क्या हो जाएगी बराबर, क्यों सीपीसीटी से भाई, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग होते हैं बराबर, ठीक है। थर्ड वाला हमको क्या सिद्ध करके देना है यहाँ पे, तो इसमें करना है त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम सिद्ध करके देना है त्रिभुज सी पी डी के, तो ले लेते हैं यहीं से त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में, ठीक है। क्या क्या हमको इसमें नज़र आ रहा है वो देख लेते हैं। अब त्रिभुज है कहाँ पे पहले तो देखो, हमने लिया है ए क्यू बी, ठीक है। अब की बार जो है त्रिभुज थोड़ा सा मैं ब्लैक बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ए क्यू बी, ठीक, और सी पी डी, तो ये सी पी और डी ये वाले दोनों त्रिभुज देखो, इसमें पहले तो ये भुजा इसके बराबर है, क्यों समांतर चतुर्भुज की भुजाएँ, ठीक, और क्या है तो ये बी क्यू बराबर पी डी है, ये हमको दे दिया था प्रश्न में कि ये बी क्यू जो है ये पी डी के बराबर है, और क्या तो कोण बी जो है कोण डी के बराबर है, ये तो एकांतर कोण हम सिद्ध कर चुके हैं, हो गया हमारा तीनों काम। तो पहला तो हम क्या बता देंगे ए बी बराबर सी डी, क्या चीज़ है ये, तो ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, आप लिख दीजिए, नहीं लिखो तो भी चलेगा, सम्मुख भुजाएं, ठीक है, ये आपने कर लिया, और क्या बराबर है, तो कोण हमने देखा क्या कि जो ए बी क्यू कोण जो है वो कोण सी डी पी के बराबर, ये वैसे भी हम इससे फर्स्ट वाले जो हमने हल किया ना उसमें हो चुका है, ठीक है, तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ये आपको आता भी है, बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा कोण नहीं है ये भुजा है, बार बार गलती हो रही है आज, और ये पी डी है, ये भी हमको दिया है, ठीक है। अब दिया है तो भुजा कोण भुजा है ना, एस ए एस सर्वांग समता नियम से, इसको मैंने जल्दी इसलिए कराया क्योंकि इसमें ये और ये आप पहले भी लिख चुके हैं फर्स्ट वाले में, जहाँ आपने हल किया था ना वहाँ पे देखो, ये इसमें जैसे ये डी और बी के बराबर है, पी डी बी क्यू के बराबर, ये हम कर चुके हैं इसलिए ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी कर दिया है, नियम से क्या हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपके सर्वांगसम, ए क्यू बी बराबर सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी के, और यही हमको सिद्ध करके देना था, ठीक है। अब हमें चौथा जो है वो देखना है, तो उससे पहले हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर दो। अब हमको जो अगला हल करना है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो चौथा हमें क्या हल करना है कि ए पी सी, नहीं 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 अभी तो और है यार, पाँच है इसमें, मुझे लास्ट समझ में आ रहा था, ए क्यू बराबर सी पी, ये हमें सिद्ध करके देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से, तो जो हम हल कर चुके हैं त्रिभुज वो हम ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के, और कहाँ से लिया है तो ये समीकरण दो से आया है, कहाँ से आया है समीकरण दो से आया है। अब यार देखो त्रिभुज सर्वांग सम है तो त्रिभुज के संगत भाग भी क्या हो जाएंगे बराबर, ए क्यू बराबर सी पी हो जाएगा, ठीक है, तो ए क्यू बराबर सी पी, ठीक है, ये काई से हो जाएगा आपके सी पी सी टी से, आगे समझ में आपको ए क्यू बराबर सी पी, ये हो जाएगा आपके बराबर सी पी सी टी से, और तो यही तो करना था। अब पांचवा, पांचवे में हमको बताना है कि जो ए पी सी क्यू है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये हमको सिद्ध करके देना है। तो देखो इसमें जो है ए पी बराबर सी क्यू, सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज में अगर ये सम्मुख भुजाएँ समांतर है बराबर है, ये दोनों और ये दोनों बराबर है, तो हो जाएगा हमारा काम, ठीक है, हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे मतलब सॉरी ए पी सी क्यू, ये ए पी सी क्यू अंदर वाला जो है वो समांतर सिद्ध करना है, तो समांतर की सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अगर हम ए पी बराबर सी क्यू और ए क्यू बराबर पी सी अगर सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं तो हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ए पी बराबर सी क्यू है, क्यों है तो यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए पी जो है सी क्यू के बराबर है, तो ए पी सी क्यू के बराबर है, ठीक है, सिद्ध किया हुआ, सिद्ध किया हुआ, ठीक है, ये हम लिख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं इतना। और एक और हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो ए क्यू सी पी के बराबर हो जाएगा, ए क्यू जो है वो सी पी के बराबर हो जाएगा।
अब ये कहाँ से आया है? तो ये जस्ट ऊपर हमने देखा है ए क्यू बराबर सी पी ए, तो ये भी सिद्ध किया हुआ, ठीक है आप लिख लीजिएगा ये की लाइन, और ये सिद्ध किया हुआ है सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई है, तो हम लिख सकते हैं ना, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। तो उम्मीद है गाइस कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा पूरा, ठीक है टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा टाइम लेके हम समझेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ये नोट कर लीजिए यहाँ से, उसके बाद ये और फिर ये, ठीक है। अगला आता है आपके क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है, ठीक है आगे हमको बताना है लंब है मतलब कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये ए पी लंब डाला गया 90 डिग्री से, सी क्यू लंब डाला गया 90 डिग्री पर, दर्शाना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग समूह का सी क्यू डी के, ए पी और ये बी है ना पूरा त्रिभुज है ये, और बताना है सी क्यू डी, सी क्यू और डी ए वाला त्रिभुज, ठीक है तो देखो हम हल करते हैं डायरेक्ट, ठीक है तो क्या देखते हैं, सबसे पहले हमको जो हल करने के लिए दिया है पहले वही ले लेते हैं हम, पहला हमको क्या हल करना है कि त्रिभुज ए पी बी जो है बराबर या सर्वांग सम आपको सिद्ध करना है त्रिभुज सी क्यू डी के, तो अब जब इसको हल करेंगे ना तो इन्हीं दोनों त्रिभुज की हम बात करेंगे यहाँ पे कि ए पी बी तथा त्रिभुज सी क्यू डी में, तो क्या देख लेंगे इन दोनों त्रिभुज में, आप पहले तो त्रिभुज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ए पी बी लेना है आपको, ठीक है ए पी और बी, ठीक है ये और ये मैं थोड़ा डैश डैश में बना देता हूँ, ठीक है और ये एक तो ये लेना है, एक सी क्यू डी लेना है, ठीक है ये ब्लैक में आप देख लीजिए, ये आपको लेना है एक तो रेड और एक ब्लैक में आपको नज़र आ रहा होगा, तो अब इसमें हमको क्या समान नज़र आ रहा है, तो पहला तो काम हमारा यही हो गया कि भाई ये दोनों बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है तो बराबर होती है, क्या होती है बराबर होती है, ठीक है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं एक तो हमारा काम ये हो गया है मतलब एक भुजा हमने ले ली है बराबर। अब कोण की अब बात करते हैं, देखो ए पी बी में पी पर 90 डिग्री का कोण है, सी क्यू डी में क्यू पर 90 डिग्री कोण है, मतलब कि एक कोण 90 डिग्री वाला ये भी बराबर हो गया, तो और हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब किसी प्रकार से या तो एक भुजा या एक कोण और बराबर कर देंगे तो हो जाएगा ना, कैसे समझो यहाँ पे देखो त्रिभुज कौन सा है ए पी और बी, ए पी और बी इसमें देखो ये कोण आ रहा है आपके, कौन सा आ रहा है ये बी पर एक कोण बन रहा है आपके, ठीक और इस त्रिभुज में देखते हैं सी क्यू डी, सी क्यू डी में एक कोण ये बन रहा है, और अगर ये समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाएं समांतर है तो ये जेड आकृति बन रही है यहाँ पे, देखो जेड आकृति और जेड आकृति में बनने वाले कोण इक्वल होते हैं क्योंकि एकांतर कोण है, समझिए ये 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 और ये और ये कोण बराबर हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो हम बता देखते हैं यहाँ पे क्या कि कोण डी बराबर हो जाएगा, सॉरी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी, ठीक है तो कोण बी बराबर है कोण डी, और रीजन लिख दीजिए आप एकांतर कोण, क्या लिख देंगे एकांतर कोण। दूसरा हम बता देंगे कि भुजा जो है ये ए बी भुजा जो है डी सी के बराबर है, तो ए बी बराबर डी सी क्यों है, तो ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है ना, क्या है ये सम्मुख भुजा, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरा कोण पी बराबर कोण क्यों, कोण पी बराबर कोण क्यों जो कि कितना है 90 डिग्री है, तो देखो कोण भुजा कोण मतलब कि ए एस ए सर्वांग समता नियम से, इससे सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम, तो ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू डी के, ठीक है तो यही तो हमें पहला सिद्ध करना था। ठीक अब दूसरा हमको क्या दिया है, तो दूसरा हमें दिया है मैं लिख दे रहा हूँ कि जो ए पी है वो सी क्यू के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना था, अब इसको समीकरण नंबर एक नाम दे दीजिए, तो इसके सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख दीजिए समीकरण एक से, क्या समीकरण एक, तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी के, अब त्रिभुज जो है सर्वांग सम है यहाँ पे, ठीक है तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, तो ए पी बराबर सी क्यू सी पी सी टी से, सी पी टी सी सी पी सी टी मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं बराबर। और गाइस इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 6 होता है फिनिश, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये और फिर ये, ठीक है डायग्राम अच्छी तरीके से नोट करिएगा, ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।